जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी 2024 कब और क्यों मनाई जाएगी। जानिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं महत्व। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी व्रत करने का विधान है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। सभी एकादशी तिथि में से देव उठनी एकादशी को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची मन से उपासना करने से साधक को विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। क्या आप जानते हैं कि देव उठनी एकादशी का पर्व क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इसके बारे में। धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की एक निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही विशेष चीज़ों का दान करते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुफल की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को संध्या काल 6:46 पर होगी, वहीं इसका समापन 12 नवंबर को संध्या काल 4:04 पर होगा। इस प्रकार 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाएगा।